अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 9 पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंबल्स। एनी सिंबल्स ऑब्जेक्ट दैट वी ड्रॉ इन फ्लैश शुड बी कन्वर्टेड इनटू द सिंबल्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ड्रॉ करते हैं फ्लैश में तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं सिंबल्स में। दिस सिंबल्स हेल्प्स टू क्रिएटिंग एनिमेशन इन एन एजर्स वे। ये जो सिंबल्स है वो हमें मदद करते हैं एनिमेशंस को बनाने में, किसकी वे में, एजर्स वे में। ठीक है, द क्रिएटेड सिंबल्स आर एडिड टू द डॉक्यूमेंट्स बैरी। ये जो सिंबल्स है वो हम क्रिएट करते हैं और इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐड करना हो कुछ भी, ठीक है। तो सम सिंबल्स हेल्प अस अवॉइड द अननेसेसरी एक्सपेंशंस ऑफ द फाइल साइज। सिंबल्स जो है वो हमें अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। स्पेसिफिक सिंबल इज स्टोरेड ओनली वंस। एक स्पेसिफिक सिंबल जो है वो सिर्फ एक जगह पे स्टोर होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ इंस्टेंट ऑफ दैट सिंबल्स इन ए फाइल। जो सिंबल्स जो कि उस फाइल्स में नंबर्स वगैरह, ठीक है। सिंबल्स आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। सिंबल्स जो है वो बेसिकली कितने टाइप्स के होता है, थ्री टाइप्स के। फर्स्ट है ग्राफिक्स, सेकेंड है बटन्स, थर्ड है मूवी क्लिप्स। क्रिएटिंग सिंबल्स, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू क्रिएट ए सिंबल्स। यहाँ पे सिंबल्स क्रिएट करने के कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उस पर क्लिक करना है। सेकंड स्टेप, क्लिक ऑन कन्वर्ट टू सिंबल इन दी मॉडिफाई मेन्यू। फिर आपने क्लिक करना है कन्वर्ट सिंबल्स पर, कहाँ पे जाके, मॉडिफाई मेन्यू में जाके। ए डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। थर्ड स्टेप, टाइप द डिज़ायर्ड नेम एंड सेलेक्ट द टाइप। आपको अपना डिज़ायर्ड नेम जो है वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद वहाँ पे अपना नेम जो है वो टाइप करना है। मूवी क्लिप, बटन और ग्राफ, जो भी आपको चाहिए मूवी क्लिप, बटन या ग्राफिक, वो आपने वहाँ पर उससे सेलेक्ट करना है। फोर्थ स्टेप, क्लिक ओके। उसके बाद यहाँ से सब सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पिक्चर्स बना के दिखा हुआ है उन्होंने। फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट किया हुआ है। सेकंड, ये मॉडिफाई है, इस पर क्लिक करके कन्वर्ट सिंबल्स, यहाँ पे कन्वर्ट सिंबल्स ऑप्शन है, वहाँ पे जाना है। फिर यहाँ पे थर्ड स्टेप, फाइल नेम, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स में अपना फाइल का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। फाइल का नाम आपका ग्राफिक है, बटन जो भी है, मूवी क्लिप जो भी होगा वो सेलेक्ट करके आपने ओके पे क्लिक करना है। क्रिएटिंग इंसिडेंट्स, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू क्रिएट एन इंसिडेंट। इंसिडेंट क्रिएट करने के कुछ स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द लाइब्रेरी प्लेट एंड सेलेक्ट द सिंबल्स। लाइब्रेरी प्लेट पे क्लिक करना है, उसके बाद सिंबल्स को सेलेक्ट करना है। सेकेंड स्टेप, ड्रैग द सेलेक्ट सिंबल्स ऑन द स्टेज। इसके बाद वो सिंबल जो है वो स्टेज पर लाना है। एंड इंसिडेंट ऑफ द सिंबल गेट क्रिएट। उसके बाद अपना जो सिंबल्स है उसको क्रिएट करना है। लाइब्रेरी प्लेट,
All the symbols used in a flash movie are stored in the library plate. और सारे symbols जो है वो use करना है flash movie पे, और इनको store करना है कहाँ पे, library plate में, ठीक है. Control plus L is the keyboard short of displaying library plate. इसको library plate को display करने के लिए ये short key है. कंट्रोल प्लस एल, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी प्लेट का पिक्चर. एनिमेशन, एनिमेशन मीन्स ए ड्राइंग मेड एंड कंपेलिड इन सच ए मैनर दैट इज शो मूवमेंट. एनिमेशन मतलब कोई भी चीज़ जब आप ड्रा करते हो के और उसको शो करते हो एक मोमेंट में. सर्वाइवल ड्राइंग्स आर कनेक्टेड विद वंस ऑन अदर थ्रू ए लूप. सर्वाइवल ड्राइंग जो कि कनेक्ट होता है एक से दूसरे में किसकी थ्रू, लूप्स के थ्रू. दिस क्रिएट्स एन इलस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट. ये हम एक इलस्ट्रेशन मोमेंट पे क्रिएट करते हैं. Animation in flash can be done as follow. Animation जो है वो पूरा होने के बाद, इसको follow करने के बाद ये पूरा हो जाते हैं इन सब चीज़ों को. Creation a motion twin animation. Motion twin is used for creating an animated movie effected in a movie in which an object moves from one option to another. ये मोशन ट्विन जो है हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को जब हमें इसको बनाना हो, उसके बाद बनाने के बाद इसमें कोई इफ़ेक्ट आना हो या इसको मूव करना हो और इस ऑब्जेक्ट को दूसरे पोजीशन में, ठीक है, मूव करना हो. द एक्शन इज़ स्पेसिफाइड ओनली ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट की फ्रेम्स. Flash automatically does the job in the frame between those two points. Flash जो है वो automatically इन दोनों के बीच में होते हैं. Motion twin does not make any change of shape the object. अब यहाँ पे कुछ steps हैं. Follow the step given below to create motion twin animations. पहला स्टेप, ड्रा एन ऑब्जेक्ट से ए फुटबॉल, ठीक है, जैसे कि आपको एक फुटबॉल ड्रा करना हो ऑब्जेक्ट. राइट क्लिक ऑन द फ्रेम वेयर यू वांट टू फुटबॉल टू मूव एंड क्लिक ऑन इंसेक्ट फ्रेम. फिर उसके बाद आपको उसमें राइट क्लिक करके आपको जो फुटबॉल है उसको कहाँ पे मूव करना है, ठीक है, उसके बाद उस पर क्लिक करना है किस पे, इंसेक्ट फ्रेम की फ्रेम पे. थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन द फर्स्ट फ्रेम पे क्लिक करना है. गो टू प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर एंड क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ टिन. उसके बाद आपको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पे क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन एरो आएगा. सेलेक्ट मोशन, उसके बाद मोशन जो है वो सेलेक्ट करना है. एन एरो अपीयर, एक एरो जो है अपीयर हो जाएगा बिटवीन उनके बीच में. द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम ऑफ मोशन ऑन द टाइम लाइन पैनल. पहला और लास्ट वाला जो मोशन फ्रेम मोशन है वो. फिर फोर्थ स्टेप है, सेलेक्ट द इंसेक्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करना है. ड्रैग द फुटबॉल, फिफ्थ स्टेप, ड्रैग द फुटबॉल टू योर डिजायर्ड पोजीशन स्क्रीन. फिर किस पोजीशन पे आपको फुटबॉल जो है वो लाना है वो स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है. द एनिमेशन कैन बी व्यू बाय क्लिकिंग कंट्रोल मेन्यू. आप एनिमेशन को व्यू करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन कंट्रोल मेन्यू. कंट्रोल मेन्यू पे क्लिक करना है, टेस्ट मूव, यहाँ पे टेस्ट मूव भी आ जाएगा. यू कैन सी द फुटबॉल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द स्क्रीन. फिर ये सब फॉलो करने के बाद आपको फुटबॉल जो है वो आपको दिख जाएगा कि आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट टू राइट आ रहा है. जैसे कि आप सबको पता है कि कभी कभार आप लोग जो है कोई भी फुटबॉल की जगह कोई ट्रेंगल, कोई स्टार जो भी आप लाना चाहते हो
आपके स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली लेफ्ट टू राइट जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स के पिक्चर भी बताया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप शेप फुटबॉल, सेकंड इसको ट्विन मोशन ये है, फोर्थ सेलेक्ट की फ्रेम, यहाँ से की फ्रेम सेलेक्ट करना है, फिर ड्रैग द ऑब्जेक्ट, यहाँ ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपको लेफ्ट टू राइट मूव मूव होते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। आज की टॉपिक यहीं तक, खुदा हाफिज़।